लेकिन मैं आपको एक और जरा एक खबरदार करना चाहता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं, मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। और ये धमकी का माने सिर्फ यही है कि एस्टैब्लिशमेंट को कहा जाए कि आप मेरा साथ ना छोड़ें, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर बहुत सी चीज़ें की हैं, और अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं बाहर आ गया तो मैं बाहर फिर आपको एक्सपोज करूंगा, ये उनकी तरफ। दोस्तों, वीडियो का मेन हिस्सा देखने के लिए वीडियो थोड़ा सा स्किप करो और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचो। तो इस वीडियो में इमरान खान खुल्लम खुल्ला धमकी दे चुके हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, और पाकिस्तान की मीडिया में ये खबर आग की तरह फैली और उसी के बारे में हो रही है बात। पाकिस्तान के बड़े पत्रकार नजम सेठी इस बारे में कर रहे हैं बात। चलिए दोस्तों, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं कुछ बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंतिम भाग में। हमें गवर्नर सिंध बता रहे हैं कि वो सिर्फ अपोजिशन को कह रहे हैं, वजातों की क्यों ज़रूरत, नौबत क्यों आई, किसको कह रहे हैं? देखिए, अपोजिशन को ये एक तरफ कहना कि मैं 10 साल के लिए यहाँ हूँ, और फिर ये कहना कि जी मैं अगर मुझे बाहर निकाल दिया गया या मैं बाहर आ गया तो मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाऊंगा, सड़कों पे होऊंगा, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये दोनों बात में कोई समझ नहीं आ रही कि कैसे बैठती हैं। अगर तो 10 साल रह रहे हैं तो फिर बाहर आने का तो कोई चांस नहीं है, और अगर बाहर आ रहे हैं तो फिर 10 साल तो बाहर ही रहेंगे आप। तो ये मेरा ख्याल है ये फिर इशारा कहीं और है, ये अपोजिशन की तरफ नहीं है। अपोजिशन की तरफ तो ये है कि मैं 10 साल के लिए हूँ, ये इशारा उनकी तरफ है जो आज तक इनके सतून बने हुए रहे और अब शायद वो पीछे हट गए हैं और इनको बचाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ये उनको धमकी दे रहे हैं कि मैं अगर बाहर आ गया, मतलब है कि अगर आपने मुझे बचाया ना, जैसे आप बचाते रहे हैं मुझे, अगर आप मुझे बचाया ना आपने, क्योंकि अब मेरे पे हमला होने वाला है और मुझे ख़दशा है कि मैं अब बाहर आ रहा हूँ, तो इसलिए आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बाहर आ गया तो फिर आपके बारे में मैं बहुत सी बातें करूंगा। ये उनकी तरफ उनको धमकी दी जा रही है। अच्छा, मैं ये भी आपको बताऊं कि ये पीटीआई के अंदर एक बहस डिबेट चल रही थी कि ये धमकी देनी चाहिए, क्योंकि जब से एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है उस वक़्त से ये पीटीआई के अंदर बड़ी घबराहट है कि अभी अब हमारा क्या होगा। और खान साहब ने पहले भी एक धमकी दी थी और अब फिर ये धमकी दी है, और ये धमकी का माने सिर्फ यही है कि एस्टैब्लिशमेंट को कहा जाए कि आप मेरा साथ ना छोड़ें, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर बहुत सी चीज़ें की हैं, और अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं बाहर आ गया तो मैं बाहर फिर आपको एक्सपोज करूंगा, ये उनकी तरफ इशारा है। तो इसलिए बहुत इससे जो बातें, दो तीन बातें जो मुझे समझ आई हैं आयशा, एक तो ये कि बहुत घबराए हुए हैं, और ज़ाहिर चाहिए भी, क्योंकि अब वक्त आ गया है। कुछ अरसे से मैं तो कह ही रहा हूँ कि गिनती शुरू हो गई है, अब मेरा ख्याल खान साहब को भी एहसास हो गया कि अब वक्त आ गया जाने का, और जाने का नहीं निकाले जाएंगे, जाने का वक्त तो वो होता है कि ये खुद रिज़ाइन करें और जाएं। अच्छा, और जब निकाला जाता है बंदा तो फिर ये मौका नहीं मिलता कि आप उसके बाद जो है कंट्रोल करें किसी चीज़ को, जो आपको निकालते हैं या अगर जिस तरीके से आप निकाले जाते हैं फिर वो आगे वही चीज़ आगे ये फैसला होता है कि आपके साथ रवैया क्या होगा, आपको क्या आपके साथ किया क्या जाएगा। जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वैसे ही। जैसे ये होता है जब निकाले जाते हैं तो फिर पीछा वो छोड़ देते नहीं, फिर पीछे पड़ जाते हैं लोग कि इनको अब ख़त्म करके रहना है, और वो पूरी कोशिश करते हैं। और अब तो सूरत हाल ये है कि अगर आप निकाले गए तो इससे क्लियर कट बात होगी कि एस्टैब्लिशमेंट अब तैयार नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपने बड़ी बेइज्जती अपनी भी की है और उनकी भी की है, और उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स बन गए हैं। और दूसरी तरफ ये है कि आवाम आपके साथ खिलाफ है। तो मैं आयशा ये समझता हूँ कि खान साहब बहुत घबराए हुए हैं और धमकियाँ दे रहे हैं, कभी लेफ्ट को देते हैं, कभी इधर देते हैं, कभी उधर देते हैं, और इनकी अब बातों में कोई सेंस नहीं रही। ऐसे लगता है कि ये पता नहीं सुबह उठते हैं क्या सोचते हैं, इनको क्या पढ़ाया लिखाया जाता है, कौन लिखा पढ़ाता है इनको, और ये आके ऊट पटाख बातें करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ये क्या खाते पीते हैं मुझे समझ नहीं आती, जिससे ये इस किस्म का दिमाग में इस किस्म की बातें उनकी आ जाती हैं। अब स्टेबल नहीं रहे, अब वो अब बड़ा ख़तरा है कि इस किस्म का प्राइम मिनिस्टर जो इस किस्म की सोच में मुब्तला है और हर रोज़ कुछ ना कोई नई बात कर देता है और धमकियां देता फिरता है, तो खान साहब मेरा ख्याल है किसी पोजीशन में नहीं है। ये तो इत्माद कहाँ से आया अगले 5 साल का भी, मतलब ब्लफिंग कर रहे हैं।
और ये अगर जब बाहर निकलेंगे ना, और यकीन करें इन ये कहते हैं कि मैं सड़कों पे निकलूंगा, इनको कोई याद दिलाए कि 1992, 93, 94 में आपने सियासत ज्वाइन की, आप उस वक्त आपके लिए आप जैसी ख्वातीन अपनी चूड़ियाँ फेंकती थी सोने की जी। इनके लिए इतना इनका इन आवाम में इनके लिए प्यार था। आज ये है कि ये बाहर सड़कों में निकलेगी तो इसलिए इनको इस बात का एहसास नहीं है, या ये बिल्कुल ड्रंक है विद पावर, इनको समझ नहीं आ रही कि अब होना क्या इनके साथ। और आज मैं देख रहा था आयशा के इनके चहेते सहाफ़ी जो के जिनके ये गीत गाते रहे हैं, कंटेनर के ऊपर खड़े होकर उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं, इस मुल्क में दो या तीन ही सहाफ़ी हैं, बाकी सारे नंबर दो हैं, वो दो तीन सहाफ़ी जिनका ये नाम लेते रहे हैं और कहते रहे हैं वो सात कंटेनर पे आते रहे हैं सिटी साहब, और सात कंटेनर पे आते रहे हैं, वो दो तीन चार जो हैं वो सबसे आगे हैं अब इनकी तनकीद करने में। हाँ। और बड़ी सख्त किस्म की बातें कर रहे हैं इनके खिलाफ। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो परेशान हैं कि बेचारा इसको हो क्या गया, वो तो नाराज़ हैं इनसे। हाँ। क्योंकि जाहिर है उन्होंने इमरान खान का साथ दिया और देते रहे तीन साल साढ़े तीन साल, और डिस्क्रेडिट हो गए ना वो खुद, लोगों ने उनको देखना सुनना शुरू बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया कि यार ये क्या कह रहे हैं, वो बंदा जो है वो डाउन जा रहा है, और ये अभी भी अब उनको एहसास हुआ है, वो बाहर आ गए अपने आप को ठीक करने और इनकी तनकीद कर रहे हैं, और उनको चाहिए ये सुने इनके दोस्त क्या कहते हैं, वो सुनते हैं सेठी साहब, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो जाली खबरों के जरिए मायूसी फैला रहा है, वो क्या कह रहे हैं मीडिया को वो सुन लेते हैं जरा। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अगर शाम को टीवी देखें और जो इनकी बातें सुने, वो दो आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है वहाँ, बाकी एंकर भी मिल जाता है, वो दो उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया, तो ये कैसे बताते हैं अगर तबाह हो गया तो 5.37% मुल्क की इकॉनमी बड़ी कैसे है? कैसे इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस की जा रही है पाकिस्तानी मईशत के लिए अगर इतनी मायूसी है? आप भी उसका जिक्र करते हैं, इसी मायूसी आप इनसे ना पूछे ना, उनसे पूछें जो मायूस है, जो सारे पब्लिक ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, जो लोग से आप इंटरव्यू कर रहे हैं मीडिया वाले, वो सारे क्या कह रहे हैं। अब इस पर कोई डिनाई कर सकता है कि जी महंगाई नहीं है और लोग सख्त तकलीफ में है? तो इस पर तो कोई बात छुपी भी बात तो रही नहीं। अब ये हमें ये लेक्चर देना कि जी 5.4% हो गया और 3.2% हो गया, आयशा मुझे ये बताएं जितने स्टूडियो में लोग खड़े हैं उनको इससे क्या दिलचस्पी? उन्हें तो ये दिलचस्पी है कि 20% या 25% उनकी जो तनख्वाह पहले दो डब रोटियाँ मिलती थी और एक ये मिलता था और एक वो मिलता था, उनमें से आधी रह गई है। तो उनको आप कहेंगे कि 5.4% और 3.2% ये बातें उनको सिखा रहे हैं आप, खुदा का खौफ करें। और ये भी है कि जी सारी दुनिया आपको बता रही है कि जी आपका जो इस वक्त ग्रोथ है वो 3.5 से ऊपर नहीं होगा, और 3.5 तो उसके साथ तो आपकी पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर रही है 3% से ज़्यादा। अब आप फिर कहते हैं जी दुनिया में महंगाई हो रही है तो आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? अरे भाई हमें दुनिया से क्या, जहाँ महंगाई हो रही है पहले तो ये है कि पाकिस्तान, टर्की और मेरा ख्याल है अर्जेंटीना की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा महंगाई इधर है, मगर अगर दुनिया में भी कुछ थोड़ी बहुत महंगाई हो रही है तो फिर देखना ये है कि वहाँ तनख्वाहें जो हैं वो क्या है। यहाँ हमारी पर कैपिटा इनकम जो है, जैसे पर कैपिटा मतलब है कि GDP जितने भी सारी आमदन है मुल्क की और उसकी आबादी के साथ तकसीम किया जाए तो वो कोई $1,000 के करीब बनती है, जिनकी जहाँ जिनके साथ ये कंपेयर कर रहे हैं वहाँ तो $30,000-$40,000 उनकी साल की तनख्वाह है। तो मतलब ये क्या बात कंपैरिजन तो लॉजिकल हो नहीं सकता ना। तो मतलब है इस किस्म की ये बातें करते हैं, आधी बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब बात ये है कि वक्त आ गया कि इनको पहचान लिया लोगों ने, अब ये परेशान हो गए हैं कि अब मैं क्या करूँ, प्रोपेगेंडा मेरा चल नहीं रहा। इनके अपने लोग जो हैं वो भी अब इस प्रोपेगेंडा जब करने लगते हैं तो उनसे बात चिबाई नहीं जाती, उनको पता होता है कि इतना सरासर हम झूठ, मगर क्योंकि वो खान साहब कह रहे हैं तुम बोलो, ये कहो ये कहो ये कहो, वो बेचारे आके बोलते हैं मगर फिर उसके बाद खुद शर्मिंदा होते हैं, जब प्राइवेटली हमसे बात करते हैं कहते हैं हम क्या करें, वो पूछते हैं कि आपने को ये कहना था ये कहना, वो तो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं सारा अपना मीडिया, और इसीलिए मीडिया वाले भी छोड़ रहे हैं, कितने मीडिया के इनके एडवाइज़र्स आए हैं जो कि छोड़ के चले गए। और अब आखिरी स्टेज है, अभी आपने देखा कुछ लोगों ने फिर से इस्तीफे देने शुरू कर दिए, और आगे भी आप देखिएगा अगले 3-4 दिनों के अंदर क्या होता है इस मुल्क में। वो कहते हैं द रैट्स, क्या वो जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं और सबसे पहले चूहे भागा करते हैं, तो अब वो चूहे जो है ना वो भागना शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो अब ये खान साहब जो है ये धमकियां दे रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दे रहे हैं। हाँ। ये याद है आपने मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैंने डिक्टेशन नहीं लेनी,
धमकी तो नहीं थी, उन्होंने कहा मैंने डिक्टेशन नहीं लूंगा मैं, छुट्टी होगी। ठीक है, तो ये आईनी तरीके से तो नहीं होगी ना सेठी साहब, जो इससे पहले हुआ अगर वही होगा तो उसमें कोई अच्छी की बात तो नहीं, नहीं वो इनफैक्ट पहले जो कुछ होता रहा है वो खास आईनी तरीके से नहीं होता रहा। इस दफा मेरी इतला के मुताबिक पूरा आईन के मुताबिक इनकी छुट्टी होगी, ताकि कोई कह ही ना सके कि यार, क्योंकि जब ये आए थे तो आईन के मुताबिक नहीं आए थे, तो अब छुट्टी करानी है तो आईन के मुताबिक छुट्टी कराई जाए और वैसे ही होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा और ये फारग हो जाएंगे। फिर ये जब बाहर निकलेंगे तो अगर तो ये 15 दिन भी बाहर अपने घर में सुकून से बैठ सके तो मैं समझता हूँ इन्हें नफल पढ़ने चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इनके ऊपर केसेस होंगे, इनको घसीट के जेलों में डाला जाएगा, और नहीं तो ये भाग जाएंगे यहाँ से, ये जाके लंदन बैठ जाएंगे या कहीं और जाके बैठ जाएंगे। और अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो दो सूरतें होंगी, एक तो ये है कि 100-200 बंदे से ज़्यादा इनके पास नहीं आएगा। अच्छा। और जो अगर ये बाहर निकलेंगे भी तो इनको लोग, तुम होते कौन हो बाहर निकलने वाले, इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, इनका ये हशर है। इनके जो अपने साथी हैं उनमें साथी जो हैं उनमें से आधे तो वो हैं जो लौटे हैं, वो तो सबसे पहले ही भाग जाएंगे, जो चूहे हैं वो भी भाग गए होंगे, तो रह कौन जाएगा, रह जाएंगे 4 या 10 या 15 इनके साथी। ठीक, और वही इनके साथ खड़े रहेंगे और वो भी बेवकूफ़ हैं, वो भी किसी न किसी स्टेज पे जब उनको एक वो भी भाग जाएंगे। तो आइडियोलॉग सब रहे कोई नहीं पीटीआई में। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं, मतलब काफ़ी समय से ये जर्नलिज्म में है, और ये बात कर रहे थे इमरान खान के बारे में, और यहाँ पर कई बार बीप भी यूज़ की गई, मतलब इनकी जो ऑडियो है उसको सेंसर किया गया या फिर चैनल ने ही वो ऑडियो मतलब नहीं बताई। इन्होंने इस तरीके के टफ वर्ड यूज़ किए हैं कि घर के ना घाट के, आप समझ सकते हो धोबी के कुत्ते बन जाएंगे, इस तरीके की बातें इस वीडियो में की गई हैं, तो वो कट की गई हैं। तो आप समझ सकते हो नजम सेठ ही कितने कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और ये शब्द प्रयोग करना बनता भी है क्योंकि इमरान खान अब मुझे लग रहा है जो मतलब जैसे मछली को पानी से निकालते हैं तो वो फड़फड़ाती है, उसी तरीके से इनकी कुछ हालत होती जा रही है। इमरान खान के सपोर्ट में आने वाले जो जर्नलिस्ट थे वो तक इनके खिलाफ़ बातें करने लगे। मैंने फिज़ा खान का भी वीडियो देखा, फिज़ा खान भी अब कुछ मतलब पलट रही है और इसी तरीके की बातें करना शुरू कर दी है उसने। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान की मीडिया में जो इमरान खान के सपोर्टर थे वो बिल्कुल मतलब अब मतलब यू टर्न ले रहे हैं और इमरान खान के अगेंस्ट में आ रहे हैं, क्योंकि उनको माहौल और जो हवा चल रही है वहाँ पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ पर मतलब पूरी तरह से इनकी पार्टी हारने वाली है। बस इनको अब साबित करना पड़ेगा बहुमत संसद में, तो वो साबित ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वैसे भी इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं है, इन्हें सपोर्ट है 3-4 पार्टियों का, तो आने वाले 2-3 महीनों में ऐसा हो सकता है कि इनकी मतलब जो है पीएम की कुर्सी जा सकती है, और यही कुछ पाकिस्तान की मीडिया में बात हो रही है। आप समझ सकते हो दोस्तों इमरान खान जब आए थे तो एक बहुत ज़्यादा आशाओं के साथ, बहुत होप के साथ आए थे, इन्होंने कुछ बातें ऐसी की थी कि उस वजह से ये मतलब इन्होंने पाकिस्तान की जो जनता है वो सोचे कि ये आएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, हालांकि हुआ कुछ नहीं। ये मतलब इन्होंने भारत के साथ तो इनके टाइम पे इतने ख़राब रिश्ते रहे हैं कि कभी भी इतने ख़राब रिश्ते शायद मुझे लगता है कि भारत के साथ पाकिस्तान के नहीं रहे। इवन नवाज़ शरीफ के पहले जरदारी हों तब भी इतने टफ वर्ड यूज़ कर नहीं किए गए। इमरान खान के टाइम पे इन्होंने ट्विटर पर इंडिया और हिंदुत्व मोदी बस केवल गाली गलौज के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब देखते हैं भारत का मीडिया कैसे रिएक्ट करता है जब इमरान खान कुर्सी से नीचे आएंगे, और ये इनका क्या रिएक्शन रहता है भारत को लेकर, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े दोगले देखें पाकिस्तान के, इमरान खान हो गया, शोएब अख्तर हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, ये बहुत बड़े दोगले हैं। इनका मतलब मैंने पाकिस्तानी मीडिया में इंटरव्यू देखा, इंडियन मीडिया में इंटरव्यू देखा, ये कुल मिला के ये राखी सावंत जैसा रिएक्ट करते हैं। तो आप देखते हैं होता क्या आने वाले समय में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने